हे गाइस, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस की, जैसे मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने एक छोटी सी कोट है, उसको ध्यान से देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए और अपने दिल में, दिमाग में इस कोट को अच्छे से बैठा लीजिए। उसके बाद आपको पेन पेपर लेकर के आना है अपने बुक सेल्फ में से या अपने बैग में से, जहाँ भी रखा है आपने, और पेन पेपर लेके बैठिए। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि जाट जाट वायु सेवा है कौन सी देश की। तो जाट एक वायु सेवा है किसकी? यूगोस्लाविया की। ठीक है, ये क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, केवल इसी पे फोकस करना है आपको, इसी तरह से लिखना है। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, लिखने में आप थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को 4 से 5 बार वॉच करिए, आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। कम से कम 4 से 5 बार वॉच करना पड़ेगा। विदाउट अब ज़्यादा बात करें, मैं वीडियो स्पीड में स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन था? उरुग्वे। एयरफोर्स का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? फ्लाइंग ऑफिसर। मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। जात्रा बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो प्लीज से ध्यान रखिएगा। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? यह है बंगाल का। गोपाल दास का संबंध किससे है? यह है पखावाज, एक वाद्य यंत्र होता है, इससे इनका संबंध है। पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल कब हुआ था? 1930 में उरुग्वे में हुआ था। स्थान का नाम दिया गया, और कौन सा साल में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, वो ईयर दिया गया है। वो बात कर रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल की, ये आप याद रखिएगा। वो क्रिकेट की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है फुटबॉल की। और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस फुटबॉल को लेके ही पूछे जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट की। सभी वर्ल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन है? यह है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है कि साल्ट लेक मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये कहाँ पर है? यह है कलकत्ता में। यहाँ से हमारे पास दो क्वेश्चन निकल के आए कि साल्ट लेक मैदान कहाँ पर है, आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो यह है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण का बेटे न्यूजीलैंड को कहा जाता है। पोर्सिलेन टावर क्या है? नॉनकिंग में स्थित है। विश्व का सबसे सूखा प्रदेश कौन सा है? डेथ वैली, ये कहाँ पर है? यह है अमेरिका में। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन ये पूछता है कि डेथ वैली कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, यह है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। ठीक है, सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में, बट आपको राइट आंसर याद रखना है हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है कि बुल फाइटिंग स्पेन राज्य का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। पागल बादशाह के नाम से कौन फेमस है? तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको औरंगजेब भी देगा। औरंगजेब जिस प्रकार से क्रूर शासक था, तो मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, औरंगजेब लगा के आते हैं, बट इसका वो राइट आंसर नहीं होता है। पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा तो कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता, प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, एग्जाम जब आप देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कोठी कहाँ पर स्थापित करी? सूरत में। कब करी? 1608 में। 3 क्वेश्चन बने यहाँ पर, ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा कि सूरत में सबसे पहली कंपनी किसने स्थापित करी, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब करी, ईयर क्या था, साल क्या था, वर्ष क्या था, तो आपको याद रखना है 1608। ठीक है, 3 चीजें यहाँ पे हाईलाइट होंगी। एक तो होगा 1608 में स्थापित हुई थी पहली जो कंपनी थी, वो हुई थी सूरत में। कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 3 चीजें हाईलाइट आपको करनी है अपने माइंड में,
माइंड में इसको अच्छे से सेव कर लो, बोल बोल के 3-4 बार आप देखिए इस वीडियो को, 2 से 3 बार, या फिर अपने नोट्स बनाएं केवल एक बार उसको मैक्सिमम, फिर रिवाइज करिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी टाइम आपको सुटेबल हो वैसा, ठीक है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था, बिना मानव प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा गया था, उसका नाम क्या था, ये था लूना 16, बिना मानव का, ठीक है, इसमें कोई मानव नहीं बैठा था, वो अंतरिक्ष यान क्या था, लूना 16, और किसके द्वारा ये बनाया गया था, ये बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा, मतलब रूस के द्वारा। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश है प्रसार, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन है, लूना 9। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, मरने के बाद पहले जो थे, प्रथम पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति इनका नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज सर हॉकिंस था। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में हुई थी। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। या फिर आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछता है कि पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किस मनुष्य ने करी, या पाकिस्तान का नामकरण पाकिस्तान किसने रखा, ये नाम उसको किसने दिया, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। आपको केवल नाम याद रखना है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम है चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। भारत में प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने 1881 में करवाई थी। पहली जो भारत की जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1881 में, और किसके द्वारा हुई थी, उसका नाम क्या था गवर्नर का, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किसके काल में हुआ था, इसका राइट आंसर है मैकाले। तो दोनों ही पर्सनालिटी काफी फेमस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर ने बनाया था। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में, और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई थी कि इसका प्रारूप क्या हो, कितने डेज लगे थे इसमें, डेज लगे थे 114 दिन, ठीक है ना। आपको ऑप्शन में वो मंथ भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 114 ही दिन लगे थे, यही आपको याद रखना है संविधान के प्रारूप में। सोना को धात्विक खनिज कहा जाता है, किसको धात्विक खनिज कहते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी चार देगा, बट आपको राइट आंसर लगाना है सोना। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, और उसको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रखिए। ज्ञान वही है जो एग्जाम में काम आए, लेकिन ज्ञान तब हमारे माइंड में परमानेंट स्टोर होता है जब हम उस पर थोड़ा टाइम दें, उस पर थोड़ी मेहनत करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बच्चों प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए आपके लिए कितने यूज़फुल वीडियो हैं। अगर ये चैनल आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से ऑल द बेस्ट।